सो हेलो, हाउ आर यू गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज अपन अपना एक तो एसएससी जीडी वाला फॉर्म भरवाने के लिए जा रहे हैं, और अपने को किसी भाई ने सजेस्ट किया था कि तू एक ट्राईपोड ले ले, जिससे कि पीछे का व्यू भी सही दिखे। तो उसने बोला था कि तेरा सिर्फ चेहरा चेहरा दिखता है, अच्छे का पीछे का व्यू भी अच्छा आना चाहिए, इसलिए अपन एक ट्राईपोड और एक शायद माइक भी ले लें, जिससे कि आवाज़ अच्छी क्लियर आए। ओके, सो गाइज, अपन जो अपना ट्राईपोड लेने के लिए गए थे वो कुछ महंगा था ज़्यादा ही, और शॉप पे लेने के लिए गए थे अपन। तो मेरा एक दोस्त है, वो भी उसका भी यूट्यूब चैनल है मोरवाल ब्लॉग ब्लॉग्स के नाम से, तो उसने वो 350 रुपये की समथिंग मंगवाया था वो ट्राईपोड। तो अपन भी ऑनलाइन मंगवा लें, क्योंकि वो ये शॉप वाला थे 500 रुपये बोल रहा था, उसने कम भी नहीं किए कुछ, तो मैंने सोचा कि अपन ऑनलाइन मंगवा लेंगे और वो माइक भी ऑनलाइन मंगवाएंगे। और रही अपनी SSGD वाले फॉर्म की बात, तो वो भी अपन नहीं भरा हुआ भाई, क्योंकि संडे की छुट्टी रहती है ना नारनौल के अंदर, मेरे को याद नहीं रहा। और फिर उसके बाद में अपन आ गए नारनौल के अंदर एक चोर गुम्बद नाम से, है ना, ये है सुभाष पार्क के अंदर नारनौल में। तो आपको मैं दिखाता हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो ऐसे। Artificial love, we just make it up, cause reality will never... So guys, ये है वो चोर गुम्बद जिसको अपन देखने के लिए आए थे, और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे एक अफगानी नवाब थे जमाल खां, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये कुछ टाइम पहले क्षतिग्रस्त हो चुका था, है ना, कहने का मतलब टूट गया था, ये साइड वाली जो ऊपर वाली मीनार है ये टूट गई थी। और मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, आप देख लेना। इसके बाद में इसका रेनोवेशन करवाया गया, उसके बाद में देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। दिखने में तो ये यानी दो मंजिला लग रहा है, लेकिन ये शायद एक मंजिला ही है, है ना। मेरे को तो अच्छा लगा, और अपन इसके चारों तरफ घूम के देखें ना, तो ये एक जैसा ही है। हाँ, नीचे बैठ, नीचे बैठ मयंक। आजा 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 आजा, हाथ ऊपर करते रे, ऊपर हाथ कर, आजा आजा आजा, गुड, आजा तो उठे टक, आजा आजा आजा। तो गाइस, नारनौल के अंदर एक मोडा वाला मंदिर के नाम से एक मंदिर है, तो अपन वहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे एक शिव जी की महाकाल की एक भव्य मूर्ति है, आपको दिखाता हूँ। उनके सामने नंदी बैठी हुई है, आपको दिखाता हूँ। पेड़ बीच में आ रहा आपको, इसलिए ठीक से चेहरा नहीं दिखा रहे, दिखाई दे रहा। यह गौ माता, और ये है भगवान शिव, देख सकते हो आप, वो कितना अच्छा है। Thank you.
शिव की आरती के साथ अपन ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।